हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम इन सर्च मी, ऑल इन वन दुनिया, आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे घर के लिए, अगर हम घर में 3 से 4 लोग हैं तो किस तरह का गीजर हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस तरह की रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसा आपके सामने है कि भारत में सर्दी शुरू हो चुकी है और सर्दी आते गीजर का ऑन होना लाजमी है। इस मौसम में ठंडे पानी से नहाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि हमें किस तरह का गीजर लेना चाहिए। कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा ले लेते हैं तो कुछ ज़रूरत से भी ज़्यादा छोटा खरीदने की कोशिश करते हैं कि कम बिजली लगेगी या फिर खर्चा कम होगा। और लेकिन दोनों में ही परेशानी होती है, तो हमें अपनी फैमिली की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही वो गीजर बाय करना चाहिए। बड़े शहरों में मैक्सिमम 3 से 4 लोगों का परिवार रहता है, और तो उसके लिए कौन कौन से है ज़रूरत के हिसाब से हमें 25 से 50 लीटर कैपेसिटी वाला ही गीजर लेना चाहिए। जी हाँ, इस कैपेसिटी वाले गीजर में एक बार में ज़्यादा पानी गर्म किया जा सकता है और जिससे सभी को गर्म पानी मिल सकता है। यदि 1 से 2 लोग परिवार के लिए गीजर खरीदते हैं तो 10 से 15 क्षमता वाला ही गीजर, यानी कि 10 से 15 लीटर वाला ही गीजर आपको चुनना चाहिए। कि अगर आप घर में 1 से 2 लोग ही हो तो आप वो परचेज कर सकते हो। 2 लोगों के लिए इतनी कैपेसिटी अच्छी मानी जाती है। और लेकिन इसमें एक बात और भी है कि कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे लोकेशन वाइज है। अगर आप पहाड़ों में रहते हो तो आपको ये याद रखना चाहिए कि एक टैंकलेस वाटर हीटर नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पर पानी का तापमान कम होता है। इसलिए जो टैंकलेस वाटर हीटर है वो पानी को पर्याप्त गर्म नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ फिर बिजली, जी हाँ, अगर घर की बिजली आपूर्ति कमज़ोर है, यानी कि उसमें जो सप्लाई है वो वीक है, तो आपको कम लो कैपेसिटी वाला गीज़र ही परचेज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप हाई कैपेसिटी गीज़र परचेज करोगे तो उससे आपके जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वेस्ट होगी और आपके जो बिल में है वो भी इंक्रीज ये बढ़ सकता है। फिर है बजट। और लास्ट, जो लास्ट का है या मेन पॉइंट, कि आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग जो भी गीजर है उसको बाय करना चाहिए, ताकि आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग ही उसका यूटिलाइज हो सके। तो ये थी आज की अपडेट। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।